प्रेम में दोस्तों, आप जो गाड़ी देख रहे हो इस कार को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये कार ने नाम इतना कमा लिया है कि आज भी इसके नंबर से बिल्कुल टॉप लेवल पे रहते हैं। अगर कोई कार लेने की बात करता है, उसका बजट 10 लाख से अंदर अंदर है, तो पहली पसंद उसकी बलिनो होती है। एक तो गाड़ी में दिखने में कोई खराबी नहीं है, दूसरा गाड़ी के अंदर स्पेसिंग अच्छी मिल जाती है, और तीसरा जो मेन चीज़ आती है माइलेज और इंजन की परफॉर्मेंस सबसे टॉप नॉच। और अगर आपको CNG वाली गाड़ी चाहिए फिर तो आपको बिना सोचे समझे इस गाड़ी में आना चाहिए। CNG ही लेकर आया हूँ। कौन सा वेरिएंट है? मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट। देखो, इसका बेस मॉडल भी वैल्यू फॉर मनी रहता है। दिक्कत क्या है, एक तो इंडिकेटर ना आते हैं फेंडर में, दूसरा जो आपके डोर हैंडल्स रहेंगे ना, ये सारे आपके रहते हैं प्लास्टिक फिनिश में, नॉन पेंटेड। इसमें वो कुछ कमी पेशी है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेल्टा वेरिएंट अच्छा वेरिएंट है। बेस मॉडल से हमें पता है कि ना लाइट्स हेलोजन प्रोजेक्टर में आ रही है, AC ऑटोमेटिक आ रहा है, वो तो इसमें भी आपको मिलना लाजमी है, लेकिन ये क्रोम वर्क मिलना, इसकी वजह से लुक बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो ये है जी डेल्टा CNG वेरिएंट। वाइट कलर में गाड़ी लगती है बहुत अच्छी है, नीले कलर में भी अच्छी लगती है, सिल्वर में भी अच्छी लगती है, रेड में मेरे को थोड़ी सी वो लगी अटपटी सी, बाकी हर कलर में गाड़ी अच्छी लगती है। वाइट क्या कलर है कि कल के दिन अगर आप गाड़ी को सेल करने जाओगे ना, आपको अच्छा पैसा देखा जाएगा, और गर्मी में एकदम से गाड़ी को गर्म नहीं होने देता ये, क्योंकि वाइट कलर हम जानते हैं ये रिफ्लेक्ट कर देता है, सारी हीट एब्जॉर्ब कम करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें साइड में रखते हैं, पहले लाते हैं प्राइस, गाड़ी का प्राइस कितना है। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो चले आएगा आपका 8,49,948 रुपीज़ का। ऑन रोड आते आते इसका प्राइस बन जाता है 9.70 लाख, 9,70,000 रुपये का, मतलब कि 10 लाख से अंदर अंदर। अब इस प्राइस में चीज़ें क्या ऑफर करी जा रही है, उससे पहले थोड़ी डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। तो जितने भी डिस्काउंट है ना, वो सारे आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे होंगे, क्या क्या आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो आप एक बार इसको ज़रूर से चेकआउट करना। एंड अगर आप गाड़ी लेने जाओगे तो इनकी बात ज़रूर से करना, नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात अभी मैं 9,70 के हिसाब से करता हूँ, तो 9.70 लाख में फ्रंट में क्रोम वर्क देखने को मिल रहा है, बड़ा सुजुकी का लोगो, नेक्स्ट वेव ग्रिल देखने को मिल रही है, और यहाँ पर देखोगे तो आपको इस तरीके से मार्जिन्स देखने को मिल रहे हैं, लाइट आपको मिल रही है हेलोजन प्रोजेक्टर, इंडिकेटर आपको हेलोजन में मिलेगा, फॉग लैम्प चाहे लगा लेना, और जो नीचे का बम्पर है उसका डिज़ाइन देखो क्या मस्त लग रहा है ना। बोनट ओपन करते हैं हम इसका यहाँ पे, तो बोनट हैवी है, पहले से तो हैवी करा गया है। ऊपर देखोगे प्रॉपर इंसुलेशन है, पीछे देखोगे इंसुलेशन है इस तरीके से, नीचे से भी प्रॉपर इंसुलेशन है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो ये गाड़ी ना CNG में आ रही है, पहले हम इंजन की बात करते हैं, तो ये है 1200cc का 4 सिलेंडर इंजन। CNG में ये निकालेगा आपका 76 kbhp और 98.5 Nm का टॉर्क। माइलेज कितना निकालेगा CNG में सोचो, 30+ का भाई, कंपनी ही 30 का माइलेज क्लेम कर रही है। एंड हमें पता है भाई, जब कंपनी 30 का कर रही है ना, तो आप 30 से ज़्यादा का भी निकाल सकते हो। अब आते हैं पेट्रोल में, कभी कभी गाड़ी पहाड़ में लेके जाओगे, पेट्रोल में भी चलाओगे, वहाँ ये निकाल दिए 89 kbhp, 115 Nm का टॉर्क। तो क्या वहाँ माइलेज कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, 22 समथिंग का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, जो कि आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। तो जो बंदे डेली कॉम्यूट करने वाले हैं ना भाई, ये गाड़ी उनके लिए वरदान है, क्योंकि आपको इतनी बढ़िया गाड़ी मिल रही है इतने अच्छे माइलेज के साथ, बहुत ही रिफाइंड इंजन है, लो मेंटेनेंस इंजन है। वारंटी यहाँ पर अपडेट हो गई है, तो इस चीज़ को याद रखना, अब आपको मिल रही है स्टॉक वारंटी 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की, जिस आप एक्सटेंड करा सकते हो। एंड 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, एक टाटा ही है जो आपको CNG में ऑटोमेटिक लाके दे रहा है, वरना हर कंपनी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही दे रही है CNG में। तो देख लो इंजन का लुक कुछ इस तरीके से बन रहा है, करते हैं इसे बंद। एंड CNG का आपको बैज इस तरीके से मिल जाएगा, जिसको मैक्सिमम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, उनको अच्छा ही लगता है ना, उनको लगता है भाई स्टेटस यहाँ पे गिर जाएगा, लेकिन भाई माइलेज भी निकालना है। बाकी रूफ देखोगे तो ऐसे फ्लोटिंग डिज़ाइन के साथ आ रही है, पीछे आपको मिल जाएगा पिन वाला एंटीना, एंड आपको छोटा सा यहाँ पे क्वार्टर पैनल ग्लास मिलता है। बाकी देखोगे ना तो यहाँ पर आपको मार्जिन्स मिल जाएंगे इस तरीके से, लाइन गई हुई है, बहुत ज़्यादा शार्प तो नहीं है, लेकिन ये है कि पहले वाली की तरह ना मोटी मोटी सी नहीं लगती है, ये थोड़ा सा लगता है कि हाँ जिम विम करके ना कट्स वर्ड्स निकाल कर आ गई है। ये देखो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है CNG का कैप इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर आपका रहेगा फ्यूल टैंक, और फ्यूल टैंक की बात करता हूँ 37 लीटर की है, बाकी 8 किलो की CNG आप डला सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी एसेसरी है, जैसे आप देखोगे तो आपको इस तरीके से रेन वाइजर्स मिल जाएंगे, जो कि मेरे को बड़े मस्त लगते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप डोर में देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे क्रोम वर्क मिल जाएगा, जो कि आपके डोर के प्रोटेक्शन का काम करेगा, बहुत बढ़िया। सबका ना मेन रहता है कि यार गाड़ी हमारी हैचबैक है, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, 170 mm का भाई, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा आपको।
टायर की बात करते हैं तो कंपनी आपको दे रही है अपोलो के टायर, स्टील रिम मिलते हैं इसमें, और जो आपका रिम का साइज है वो है 15 इंच का। कंप्लीट टायर सेटअप है 185/65R15 का। डिस्क ब्रेक फ्रंट में आते हैं, फ्रंट के सस्पेंशन सॉफ्टर रखे गए हैं, शॉक अच्छा एब्जॉर्ब करेंगे, इंडिपेंडेंट है, और जो पीछे के हैं ये टोर्शन बीम है, मतलब कि नॉन इंडिपेंडेंट, तो हल्के फुल्के झटके फील होंगे, फिर भी ये शॉक ना अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पे। एंड इसके ओवरऑल जितने भी डायमेंशन है वो सारे आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएंगे। चलो एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आपका जो साइड मिरर है ना उसमें जो इंडिकेटर है वो आपको इसी में मिलेगा LED में। बाकी इसे फोल्ड अनफोल्ड करना वो भी आपको मैं ड्राइवर साइड से दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिकली हो रहा है, मैनुअली आपको करना पड़ेगा। चलते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पे भाई आप स्पॉइलर देख लो, ये आपको मिल रहा है, CNG का बैच मिल रहा है, डिफॉगर मिल जा रहा है। अब देखो आप लुक, ये देखो पीछे से लुक काफ़ी अच्छा हो गया है। और यहाँ पर जो आपके टेल लाइट है ये आपके LED में है, बाकी इंडिकेटर रिवर्स वाली लाइट ये हैलोजन में है। 4 पार्किंग सेंसर अभी भी आ रहे हैं, इस मॉडल में कैमरा नहीं है, बाकी सुजुकी का लोगो मिलेगा। और ये देखो बम्पर का लुक इस तरीके से बन रहा है, खोलते हैं इसे तो बढ़िया चीज़ क्या है, काफ़ी बड़ी अपने को पार्सल ट्रे यहाँ पे मिल जा रही है। इसे उठाते हैं तो ये लो CNG अपने को मिल रही है, 57 लीटर इतनी की इसकी CNG रहती है, मतलब 60 लीटर तो हर कंपनी देती ही देती है, 8 किलो CNG आ जाती है अगर एक सर्टेन प्रेशर तक हम फिल करें, थोड़ा प्रेशर का गेम रहता है ना CNG में। बाकी देखोगे तो इस तरीके से स्पेसिंग वगैरह है, लाइट वगैरह है नहीं, तो थोड़ा छोटा मोटा सामान यहीं कहीं पर ही आएगा। और ये रहा आपका स्टेफनी का टायर, और पीछे की सीट ना 60-40 में स्प्लिट होती है, ये भी याद रखना। करते हैं इसे यहाँ से पकड़ के बंद, खोलते हैं ड्राइवर साइड का गेट, और गेट देखें तो हल्का ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको हैवी फील होगा। ये ड्यूल टोन फिनिशिंग है, ब्लैक और इस तरीके से ब्लू कलर में, ये चीज़ पूरी आपकी सॉफ्ट टच फैब्रिक में है। ड्राइवर साइड की विंडो वन टच डाउन और वन टच आपके साथ आएगी, साइड मिरर फोल्ड अनफोल्ड इलेक्ट्रिकली हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। बाकी आपको नीचे पानी की बोतल, यहाँ डॉक्यूमेंट और स्पीकर मिलेंगे, ट्विटर्स नहीं मिलते, तो टोटल 4 स्पीकर हैं। और यहाँ देखोगे तो आपको इस तरीके से ब्लू ट्रीटमेंट मिलेगा, फिर ये कार्बन फाइबर, फिर हल्का सा ये सिल्वर या ग्रेश का हो आप इसे, और फिर ये ब्लैक ट्रीटमेंट। नीचे देखोगे तो अपने को मिल जाएगा प्रॉपर डैक पैडल, यहाँ पर भी स्पेसिंग है, और यहाँ से आप अपना फ्यूल टैंक का गेट और जो आपका बोनट है उससे एक्सेस कर सकते हो, अच्छी जगह पोजिशनिंग दी गई है। यहाँ से आप ट्रैक्शन ऑफ करोगे, बाकी फ्यूल से CNG से फ्यूल में शिफ्ट हो गया, गाड़ी CNG में आ गई है तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं है। चाबी को साइड में रखते हैं, सीट की बात करते हैं तो फैब्रिक सीट है इस तरीके से, ठीक है। ये जो सीट कवर लगाए गए हैं बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, तो ड्राइवर को बहुत मज़ा आएगा बैठने में, लेकिन जो पैसेंजर पीछे बैठेगा ना वो फिसलते रहेगा, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो, और पीछे की सीट बेल्ट प्रेशराइज सीट बेल्ट नहीं है, तो आपको जबरदस्ती सीट बेल्ट अटका के रखनी पड़ेगी, वरना स्टार्ट करोगे तो टैंडे बसती रहती है ये। हाइट एडजस्टमेंट का लीवर नहीं है, सिर्फ रिक्लाइनर एडजस्ट कर सकते हो। और अब सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं, सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, अरे एकदम से पीछे चलेगा रिक्लाइनर और मस्त लगता है, हेड सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है, बाकी साइड में स्पेसिंग अच्छी है, नीरू में स्पेसिंग अच्छी है। और एक्चुअल में ये गाड़ी मेरे फ्रेंड के पास है तो मैंने ड्राइव कर रखी है, तो कभी भी ऐसे गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं आती है। बाकी जो स्टेयरिंग है फ्लैट बॉटम है, विदाउट लेदर रैप आता है, आप इसमें जो ये कवर देख रहे हो ना, ये जो कवर है ये कंपनी से फिट कराया गया है। अगर आप डेली साइड से काम करा सकते हो तो वहां पर वो क्या करते हैं ना, पूरा स्टेयरिंग खोल के अंदर तक का स्टिच करते हैं, वो ज्यादा बढ़िया लगता है, तो आप वहां से भी काम करा सकते हो, नहीं तो कंपनी से भी करा लोगे तो कुछ इस तरीके से लुक आएगा। ग्रिपिंग थोड़ी अच्छी बन जाती है इसमें, और आप देखोगे तो आपको माउंटेड कंट्रोल मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। एंड यहाँ से आपका जो इन्फोटेनमेंट है 7 इंच का इस तरीके से, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेसली सपोर्ट करता है, ये चीज़ अच्छी है, 4 स्पीकर का सपोर्ट है ही। एंड कैमरा की क्वालिटी कुछ भी नहीं आएगी, खाली सेंसर है क्योंकि, तो सब चीज़ें आप यहाँ से इसे ऑपरेट कर सकते हो इस तरीके से, अनम्यूट और म्यूट कर सकते हो, बाकी यहाँ से फिर आपका फ़ोन उठाना काटना वॉइस कमांड वगैरह रहेगा। एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो बस यही चीज़ बड़ी बेकार लग रही है कि जैसी मैं इसको डाउन करता हूँ ना, स्टेयरिंग धड़ाम से नीचे हो जाता है, टिल्ट मिल रहा है बस, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। बाकी वाइपर्स के कंट्रोल मैनुअल हैं, लाइट्स के कंट्रोल भी आपको मैनुअल मिल जाएंगे। चाबी दिखाना चाहता हूँ मैं आपको एक बार, तो चाबी आपको इस तरीके से मिलती है जिसमें आपको लॉक और अनलॉक का बटन मिलता है। अपना टाइम आ गया यार, मारुति को चाबी में वर्क करना चाहिए, चाबी थोड़ा सा डिफरेंट करनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी टाइम से ऐसी चली हुई आ रही है। और ये अगर हमने इसका इग्निशन ऑन, ठीक है,
बाकी अगर आप देखोगे तो टैकोमीटर, स्पीडोमीटर सब कुछ शो करेगा। सेंटर में आपको ट्रिप मीटर मिलता है जिसमें आपकी गाड़ी में फ्यूल कितना है, सीएनजी कितना है, सब कुछ शो होगा। गाड़ी जब आपकी स्टार्ट होगी तो पेट्रोल में स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली सीएनजी में स्विच हो जाएगी। एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लीवर मिलता है जिसे प्रेस करके आप मल्टीपल चीज़ें जान सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। बाहर का टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, इंजन ऑयल टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो और देखें अगर हम आगे, डैशबोर्ड में स्पेसिंग अच्छी है, यहाँ पे भगवान जी वगैरह लगा सकते हो। एंड डैशबोर्ड ऐसे इसका ड्यूल टोन है, लेकिन मैं इसे मल्टी लेयर भी कह सकता हूँ, क्योंकि ब्लैक, फिर ये पूरा सिल्वर या ग्रे ट्रीटमेंट, फिर ये ब्लू ट्रीटमेंट है इस तरीके से। तो अगर मल्टी लेयर बोलेंगे या मल्टी कलर बोलेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, बोनेट ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टिकट होल्डर वगैरह, और मैनुअल डिमिंग आयर VM इस तरीके से, लाइट सेलोजन में है, एंड माइक वगैरह भी आपको मिलेंगे। एंड इस तरीके से आपको मिलता है छोटा सा मिरर, बाकी सॉफ्ट ओपनिंग ग्रैब हैंडल बार्स आपको मिल जाएंगे। नीचे अगर आप देखोगे ना, आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक AC, और ये बलिनो के बेस मॉडल से आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप डेल्टा लोगे तो ऑब्वियसली बात है मिलना ही मिलना है। बाकी नीचे देखेंगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, एंड देन हम देखें तो टाइप ए का पोर्ट है, फिर यहाँ पे 6 स्पेसिंग है, 2 कप आप कैरी कर सकते हो, 5 स्पीड का आपको मिल जाता है मैनुअल गियर बॉक्स, क्रोम वर्क, एंड यहाँ पर आपको ना कार्बन फाइबर वाली फिनिशिंग मिल जाती है। फोन आप इस तरीके से कैरी कर सकते हो, फिर यहाँ पर भी आप अपना फोन इस तरीके से अगर आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन हाँ अटक जाएगा ऐसे करके, लेकिन गिर भी सकता है। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो देखें स्पेसिंग वगैरह ठीक ठाक से स्पेसिंग मिल जाती है, बाकी लाइट कूलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। सेफ्टी की बात करते हैं तो बलिनो का जो ये नया जनरेशन आ रखा है, इससे इसमें थोड़ा वेट एड ऑन हुआ है, तो जो पहली बलिनो थी उसे थोड़ी भारी है। एंड कहीं ना कहीं कंपनी का कहना है कि हमने अच्छा स्टील यूज़ करा है, लेकिन हम जितने भी क्रैश टेस्ट देखते हैं तो हमें बलिनो कोलैप्स कर जाती है। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इस वाले वेरिएंट में, अच्छा रहता है, लेकिन 2 ही मिल रहे हैं, बाकी चीज़ें सारी कंपनी दे रही है अपनी तरफ से, ABS, CVT, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड ट्रैक्शन, सारी चीज़ें दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेफ्टी में भले बिल्ड क्वालिटी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फीचर्स अच्छे होने की वजह से अगर आप ज़्यादा स्पीड नहीं करते हो, गाड़ी की स्पीडिंग ज़्यादा नहीं करोगे, 80 से नीचे चलोगे, तो ये गाड़ी आपको बैलेंस बना के अच्छा देगी, ठीक है। आपको रोड में ना चिपक के आपको, मतलब रोड से आपकी गाड़ी इधर भागेगी नहीं बेवजह, तो ये चीज़ है। एंड अब हम चलते हैं, चलो पीछे की तरफ खोलते हैं पीछे का गेट, और यहाँ देखें तो यहाँ पर भी अपने को पूरा इस तरीके से फैब्रिक का सॉफ्ट टच मिल रहा है, पानी की बोतल, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट, फिर स्पीकर, कोई भी यहाँ पे पेंट नहीं है, ना ही कोई सैटन या क्रोम वर्क है, इसको बिल्कुल प्लास्टिक में छोड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। AC वेंट नहीं मिलेगा यहाँ पर, आप अपना सामान या कुछ पानी की बोतल टेरी करके डाल सकते हो, नीचे फ़ोन कैरी कर लोगे, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। अब क्या है ना, इसके यहाँ पे सीट कवर लगाए हैं तो अपने को इस तरीके से जिप वाली पॉकेट्स मिल जाएंगी, और पीछे की सीट बहुत ही ज़्यादा फिसलती है यहाँ पे, और छोटा सा आपको सेंटर वाले के लिए हेयर ड्रेस मिल जाएगा, बाकी तो एडजस्टेबल है ही यहाँ पर। और ऊपर देखोगे आपको लाइट मिल जाएगी। बाकी अब सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं, सीटिंग कंफर्ट अच्छा है पीछे की सीट का, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, स्पेसिंग में तो कोई कमी आती नहीं है, एंड बैक सपोर्ट अच्छा है, हेड सपोर्ट में कोई परेशानी नहीं है, सबके लिए हेड रेस्ट है, सबके हेड को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बाकी स्पेसिंग वाइज भी कोई इश्यू नहीं है। सीधे सीधा आते हैं कंक्लूजन में, देखो डेल्टा वेरिएंट ना हमेशा से एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहा है, क्योंकि अगर आप सिग्मा में जाओगे तो चीज़ें वहाँ भी अच्छी मिल जा रही है, लेकिन उसके डोर हैंडल ना एकदम वैसे हैं ब्लैक से, बाकी इंडिकेटर फिर फेंडर में है, तो वो सब चीज़ें आफ्टर मार्केट काम कराना पड़ता है, तो वो कॉस्टली पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीज़ें देखो सारी ऑफर करी जा रही है, एंड आप इस तरह की सीट कवर वगैरह लगा सकते हो, अलॉय व्हील वगैरह लगा सकते हो। CNG मारुति कार के संग बहुत एक अच्छा, आप कह सकते हो कि मतलब एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक तो कभी दिक्कत आती नहीं है, एंड दूसरा क्या, माइलेज बहुत अच्छा निकलता है, पेट्रोल में चलाओगे तब भी माइलेज अच्छा निकलेगा। तो अगर आपका डेली रन बहुत ज्यादा है ना, और आपको गाड़ी में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना है, तो फिर ये वेरिएंट आपका है। अंडर 10 लाख आपको एक ऐसी कार मिल रही है जिसमें आपको ज्यादा डेली कॉम्यूट पे खर्चा नहीं करना है, ठीक है। CNG फिल करानी है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर की है, 8 किलो CNG डला दोगे, माइलेज दोनों में अच्छा निकालोगे तो ड्राइव रेंज बढ़ जाती है, बाकी साइलेंट गाड़ी है, बहुत मजा आता है चलाने में, मैंने पर्सनली चलाई है, हिल होल्ड कंट्रोल वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, इंजन को लेकर दिक्कत नहीं आती, जहां दिक्कत आती है वो है बिल्ड, गाड़ी उतनी हैवी नहीं है, हल्की है, फिलहाल पहले से थोड़ी भारी करी गई है CNG लगने के बाद, 1000 प्लस चले आता है वेट, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा
कि ये जो नेगेटिव पॉइंट है यही इसका प्लस पॉइंट बन जाता है माइलेज पे। तो डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या, डेली कॉम्यूट करना है तो भाई मैं तो आपको सीरियसली ये गाड़ी रिकमेंड करता हूँ। एंड टाटा वगैरह की गाड़ी मैं रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो जितना माइलेज बोलते उतना निकाल नहीं पाते हैं, फिर कुछ टाइम पर दिक्कत आती है और एक एवरेज बंदे के लिए इतनी दिक्कतें सहना मेरे को लगता है कि ठीक रहेगा। बाकी आपके जो भी रहेंगे पॉइंट्स वो मुझे बता देना कमेंट में, एंड मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे को नए वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।